सुहास एलवाय जो कि नोएडा के डीएम हैं, फिलहाल सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम उनके आवास पर मौजूद है और हमारे साथ में उनकी माताजी और उनकी बेटी मौजूद है। सबसे पहले उनकी बेटी से बात करते हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है, सानवी है उनका नाम। सानवी कंग्रेचुलेशन, सबसे पहले आपको भी अम्मा कंग्रेचुलेशन, पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हाउ डू यू फील? बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पिता माई फादर बॉट सिल्वर मेडल। हम लोग मैच देखते वक्त कल के मैच में हम लोग को बहुत टेंशन था कि अगर हार जाएंगे तो ब्रॉन्ज मिलेगा, लेकिन ब्रॉन्ज भी कोई छोटा मेडल नहीं है। तो मतलब जब वो मैच जीत गए हमारे अंदर मतलब खुशी की बहुत का लहर बाहर आ गया। तो मतलब हम लोग बहुत खुश हुए और अब मैं मतलब मैं जब अपने फ्रेंड्स को कहीं भी बाहर जाऊंगी अगर वो पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पापा सिल्वर मेडलिस्ट है ओलंपिक्स में, मैं प्राउडली गर्व से कहूंगी कि हाँ ये मेरे पापा हैं। आप लगातार पूरा मैच फॉलो कर रहे थे क्योंकि रात से मैच चल रहा है, हम लोग भी सुबह देख रहे थे, जो टक्कर है नेक टू नेक चल रही थी, बहुत टाइट मैच था, बहुत टाइट मैच था। पापा बहुत अच्छा खेल रहे थे आपके, तो जैसे कि मैम से भी बात हुई, आपकी मम्मी से भी बात हुई, वो बता रही थी कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ऐसे में, तो पापा किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि फेस्टिवल्स में भी ऐसे में वो कम प्रेजेंट हो पाते थे, मेहनत इतनी करनी पड़ती थी कि कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस में वो सुबह मेरी क्लासेस के वक्त 10 बजे चले जाते थे, मैं उनको सिर्फ एक बार ब्रेकफास्ट के वक्त देखती थी और ब्रेकफास्ट के वक्त देखने के बाद वो मेरे को मिलते नहीं थे, वो कलेक्टर चले जाते थे अपने ऑफिस से, फिर ऑफिस से डायरेक्ट अपने स्टेडियम चले जाते थे प्रैक्टिस के लिए। तो और उन्होंने बड़ा वाला स्टेडियम ग्रेटर नोएडा का चूज़ किया था क्योंकि और एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि टोक्यो का स्टेडियम बहुत बड़ा है। तो फिर मेरे को रात में वो शाम को अराउंड 4 बजे जाते थे, फिर रात को लेट 9:30-10 o'clock हमारे सोने के टाइम पे आते थे। तो मतलब मैं उनको सिर्फ दिन में यूजुअली 2 बार देखती थी, एक सुबह मेरे ब्रेकफास्ट के वक्त और एक डिनर के वक्त। सुहास जी की माता जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? शांतामणि। शांतामणि जी, बहुत गर्व का दिन है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये ना बहुत खुश मैंने ये गोल्ड मेडल का इंतजार कर रही थी, वो देखते देखते लास्ट में परवा नहीं है, वो तो जाने के बाद ही। आप देख रही थी मैच, देख रही थी आप पूरे टाइम, पूरा फॉलो करते हैं आप भी? हमारे बेटा है ना, हाँ मतलब बॉयहुड में बहुत क्रिकेट, अब IAS ऑफिसर आने के बाद नो प्रैक्टिस के टाइम नहीं है यहाँ, इसलिए ये क्या टेनिस बैडमिंटन। इन्होंने कहा कि इन्होंने जब बचपन में इसको क्रिकेट बहुत खेलता था, कि पापा क्रिकेट बहुत खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो IAS हो गए तो अभी क्रिकेट नहीं खेल पाता, तो इसने बैडमिंटन चूज़ किया। आपको भी रुचि है स्पोर्ट्स में, अच्छा लगता है स्पोर्ट्स आपको भी खेलना? मेरे को क्रिकेट पसंद है, ताइक्वांडो में ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट हूँ, और मेरे को कुश्ती पसंद है, कुश्ती और धाकड़ गर्ल काइंड ऑफ। मेरे को दंगल मूवी बहुत पसंद है इसीलिए दंगल मूवी, गीता बबीता आपने अच्छे से, वो आपके आइडल्स हैं? काइंड ऑफ लेकिन सबसे बड़े आइडल पापा जी। बड़े होके और क्या बनना है, क्योंकि पापा जो हैं वो IAS ऑफिसर भी हैं, DM हैं, तो आप स्पोर्ट्स के फील्ड में जाएंगे या फिर UPSC, ऐसा कुछ सोचा है दूर दूर तक? मैंने जैसे पापा किया है, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं IPS बनना चाहती हूँ बड़े होके, तो मैं IPS बन सकती हूँ, और इफ़ आई कैन मेक टाइम देन आई विल श्योरली गेट इनटू स्पोर्ट्स, अगर मेरे पास समय होगा देन आई विल श्योरली गेट इनटू स्पोर्ट्स। अब पापा आने वाले हैं तो उनका स्वागत कैसे होगा, अब गिफ्ट दोगे आप कैसे तैयारी करोगे? वो मेरे को गिटार और कैसियो बजाना आता है, तो मैं उनके लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर कर लूँगी और एक कैसियो पे एक सॉन्ग बजा दूंगी, उनको एक कार्ड बना दूंगी, और मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। कोई गाना सोचा है आपने? गाना भी गाते हो आप जो कैसियो पे बजाओगे? नहीं अभी नहीं सोचा, मेरे को भी बनाना होगा। तो देखिए ये प्यारा सा परिवार DM सुहास एलवाई जी का, उनकी बेटी से भी हमने बात करी और उन्होंने ट्रांसलेट किया जो सुहास जी की बुआ जी ने बोला, परिवार बहुत एक्साइटेड है और क्यों ना हो, क्योंकि सिल्वर मेडल भारत पैरालंपिक्स में भी आ रहा है।
कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, नोएडा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।